प्रियंका चोपड़ा एंड शाहरुख खान. देर एब्सोल्युटली अनकन्फर्म्ड रूमर्स एंड हो सकता है कि देर ओनली फ्रेंड्स एंड को स्टार्स. But the fact is that the rumors did cause a dent in Priyanka Chopra's life, career, and she did pay the price. क्या होता है बॉलीवुड में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का नतीजा और क्या करते हैं बी टाउन के न्यू कमर्स टू कीप देमसेल्व्स इन कॉन्स्टेंट लाइमलाइट. लेट्स फाइंड आउट टुडे ऑन पेज 3. बी टाउन में पति पत्नी और वो के सागा में द अदर वुमन बन ही जाती है वैम्प. Films often show the other women in bad light. Lekin real life mein bhi Bollywood nahi leta hai bahar wali ki side. Parveen Babi ho ya phir Amisha Patel, married men se affair kiya to mehenga pad gaya unko ye khel. Ab tak to sab ye jaan hi chuke hain ki kaise Priyanka Chopra ko Shahrukh aur kai bade stars ki party se apparently ban kar diya gaya hai. वजह वेल जब गौरी खान को प्रियंका चोपड़ा और एसआरके के क्लोज फ्रेंडशिप का पता चला तो उन्होंने फौरन इस क्लोज होते रिलेशनशिप पर दी एंड लगाने की ठान ली. देखते ही देखते गौरी को उनके सभी फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया और प्रियंका को अपनी सोशल गैदरिंग से दूर कर दिया. शाहरुख हैड नथिंग टू लूज. लेकिन पिकी चॉप्स को इंडस्ट्री के लोगों ने ये रियलाइज करवा दिया कि अदर वुमन बनकर उन्होंने ही की बहुत बड़ी गलती. अपेरेंटली एक लंबे टाइम से रानी मुखर्जी आदित्य चोपड़ा के साथ एक अलेजेड रिलेशनशिप में है लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया है. आदित्य ऑलरेडी शादीशुदा थे और एक मैरिड मैन से लव अफेयर की बात को कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है. शायद यही वजह है कि रानी ओपनली अपने और आदित्य की रिलेशनशिप की बातें करती नहीं दिखती है. लोग उन्हें होम ब्रेकर कहेंगे, शायद वो इस बात से डरती है. Amisha Patel got involved with already married director Vikram Bhatt. Inka relationship kafi lambe time tak chala, lekin finally use ek happy ending nahi mili. Husband wife ke beech mein aane wali Amisha ne eventually kafi loss saha. Vikram se breakup to ho hi gaya, saath hi unka career almost khatam ho gaya. वैसे देखा जाए तो रेखा को बॉलीवुड की अब तक सबसे टॉक्ड अबाउट अदर वुमन कहा जा सकता है. रेखा और अमिताभ बच्चन के सपोज्ड टॉरेंट लव अफेयर ने पूरे नेशन में हंगामा मचा दिया था लेकिन इसके बावजूद रेखा और अमिताभ के रिलेशनशिप को कभी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली और रेखा को हमेशा ही जया बच्चन और अमिताभ के बीच में आने वाली एक दूसरी औरत का ही खिताब मिला. रेखा अमिताभ के साथ तो घर नहीं बसा पाई लेकिन अपनी एक अलग ही मिस्टीरियस दुनिया में खो गयी. परवीन बाबी भी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनकी लाइफ में अक्सर शादीशुदा मेन ही आते थे. महेश भट्ट, डैनी डेंजोंगपा, कबीर बेदी और शायद अमिताभ बच्चन भी. परवीन एक के बाद एक मैरिड मैन के प्यार में पड़ती रही लेकिन किसी के साथ भी उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस नहीं मिला. शायद अनसक्सेसफुल लव अफेयर्स और अदर वुमन होने की बदनामी ने परवीन पर गहरा असर छोड़ा और आखिरकार परवीन लाइफ हैड अ ट्रेजिक एंड. वहीं कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जो पति पत्नी के बीच आई भी और इस मामले में लकी भी हुई. श्रीदेवी के लिए बोनी कपूर ने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया और उनसे शादी करके श्रीदेवी को मिसेस बोनी कपूर बना लिया. शिल्पा शेट्टी जब मैरिड राज कुंद्रा के साथ इन्वॉल्व हुई तो सभी ने उन्हें राज की मैरिड लाइफ को बर्बाद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कहा लेकिन जल्द ही राज को डिवोर्स्ड फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ एंड टाइड द नॉट विद शिल्पा शेट्टी. अदर वुमन को कहीं ना कहीं खुद बॉलीवुड भी काफी हद तक क्रिटिसाइज करता आया है और तभी शायद मैरिड मैन से प्यार करने वाली एक्ट्रेसेस ने ज्यादातर करियर में लॉस और बदनामी ही पाई है. बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस अपना करियर दांव पर लगाकर प्यार तो कर लेती हैं लेकिन क्यों उस प्यार को बी टाउन में एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती. लेट्स फाइंड आउट ऑन पारी शाटी विद पेज 3 एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंदोक. सिमी, वेलकम टू द शो. थैंक्स फॉर हैविंग मी सुप्रीत. बॉलीवुड में कभी कभी प्यार को इनकार ही मिलता है, ऐसा क्यों? वैसे कभी कभी नहीं, आई थिंक मोस्ट फ्रीक्वेंटली इफ इट्स अ ट्रायंगल तो बेचारी अदर वुमन को इनकार ही मिलता है. एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज रिसेंटली व्हेन यश जी जस्ट पास्ड अवे एंड टीवी पे सब ट्रिब्यूट्स दिखा रहे थे एंड आई सॉ मेनी फिल्म एक्सपर्ट्स टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ रोमांस दैट ही हैड अशर्ड इन टू बॉलीवुड. एंड वहाँ पे एक डिस्कशन ये भी हो रही थी कि जो मूवी उन्होंने सिलसिला बनाई इट वॉज मच अहेड ऑफ इट्स टाइम्स एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल मूवी क्योंकि उस
उस वक्त अमिताभ एंड रेखा के रूमर्स इतने राइप थे कि पूरा नेशन वॉज सो क्यूरियस. अभी तक हम लोग सब क्यूरियस हैं, तो इमेजिन दैट जनरेशन हाउ क्यूरियस दे वर टू फाइंड आउट कि कुछ है या नहीं है. एंड यश जी ने उस वक्त ये पिक्चर बनाई थी जिसमें रेखा, अमिताभ एंड जया बच्चन इन स्पाइट ऑफ ऑल द रूमर्स एंड द कॉन्ट्रोवर्सीज एंड एवरीथिंग वर इन वन मूवी एंड इट वॉज समवेयर अ बिट ऑफ अ लव ट्रायंगल. एंड द फिल्म एक्सपर्ट वॉज शेयरिंग दिस विद द व्यूअर्स सेइंग कि ये पिक्चर बहुत खूबसूरत थी बट फिर भी चल नहीं पाई बिकॉज इट वॉज अ वेरी बोल्ड सब्जेक्ट एंड इंडियन ऑडियंस उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए. तो अगर हमारे ऑडियंस जो हैं उनकी थिंकिंग कंजर्वेटिव है तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज दे आर लीडिंग वेरी नॉर्मल लाइव्स. बट यहाँ पे बॉलीवुड में भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जो खुद ऐसी पिक्चर्स बनाते हैं. अगर दो अट्रैक्टिव यंग लोग एक साथ शूटिंग कर रहे हैं कई महीनों के लिए बाहर अपनी फैमिली से दूर, तो इट्स वेरी नेचुरल समवेयर दैट दे माइट गेट अट्रैक्टिव टू ईच अदर या कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो जाए. तो आई थिंक कम से कम बॉलीवुड को तो ये बात समझनी चाहिए. बट अगर हम रीसेंट एग्जाम्पल भी देखते हैं जैसे कि प्रियंका चोपड़ा एंड शाहरुख खान, देर एब्सोल्युटली अनकन्फर्म्ड रूमर्स एंड हो सकता है कि दे आर ओनली फ्रेंड्स एंड को स्टार्स. बट द फैक्ट इज कि द रूमर्स डिड कॉज अ डेंट इन प्रियंका चोपड़ाज लाइफ करियर एंड शी डिड पे द प्राइज एंड यू हैड हर सो कॉल्ड फ्रेंड्स एंड सोर्सेज यू नो काइंड ऑफ क्लैरिफाइंग हर पोजिशन एंड एवरीथिंग एंड शी हैड टू गो थ्रू अ हार्ड टाइम बिकॉज ऑफ दैट. एंड अगर हम पुराने इंसिडेंट्स देखते हैं तो इफ़ इट्स रेखा एंड अमिताभ, वो हमेशा कहते हैं कि कुछ नहीं है. ऑफकोर्स वी डोंट हैव एनीथिंग ऑन रिकॉर्ड टू प्रूव इट, सो इट्स ऑब्वियसली दीज रूमर्स दैट हैव बीन डूइंग द राउंड्स फॉर डेकेड्स. एंड रेखा तो हमें कभी कभी छेड़ देती हैं अवार्ड फंक्शंस पर, वो कुछ शायरी कह देंगी या कुछ आंखों से ऐसा इशारा कर देती हैं उनकी तरफ. बट अगर वो सिर्फ कोस्टार्स थे एंड आई एम नॉट श्योर इफ देर वॉज एनीथिंग, आई वॉजंट अराउंड एट दैट टाइम टू वॉच फॉर इट, बट अगर उनमें कुछ नहीं था तो अब जब अमिताभ बच्चन की पार्टी हुई तो उन्होंने अपने सारे कोस्टार्स को बुलाया, पूरी इंडस्ट्री को बुलाया, तो जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट व्हाई वाजंट शी इनवाइटेड इफ देयर वाज रियली नथिंग ऑन. सो ईच वन ऑफ देम इज सो ओल्ड फैशन व्हेन इट कम्स टू दिस. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यश चोपड़ा हु हिमसेल्फ इज लाइक द यू नो दे से ही टॉट द नेशन हाउ टू रोमांस, बट अगर हम रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा के भी रूमर्स देखते हैं एंड ऑफकोर्स व्हेन इट केम टू द लास्ट राइट्स एंड एवरीथिंग विद यश चोपड़ा जी, शी वॉज कंप्लीटली इन्वॉल्व एंड शी वॉज देयर एज पार्ट ऑफ द फैमिली एंड एवरीथिंग फॉर एवरीबडी टू सी. बट फिर भी आदित्य चोपड़ा का डिवोर्स होने के बावजूद वो इतने साल दे हैव नॉट कम आउट ओपनली विद द रिलेशनशिप एंड राइट नाउ मे बी समवेयर दे काइंड ऑफ बिगिनिंग टू एक्सेप्ट इट कि ओके द पब्लिक इज ओके विद यू नो फाइंडिंग आउट एंड थोड़ा सा वो बाहर आ रहे हैं. तो अभी तक ये बहुत ही एक सस्पेंस थ्रिलर बना हुआ है हमारे लिए. Do you think अभी सोशल एक्सेप्टेंस थोड़ी और इसलिए बढ़ गई है क्योंकि थोड़े सक्सेसफुल केसेस भी हैं, whether you look at a Boney Kapoor and Sridevi. बड़ी अजीब सी बात है कि अगर आप खाली रिलेशनशिप में हो जहां आप किसी का पति नहीं छीन रहे हो या बच्चों से उनका बाप नहीं छीन रहे हो, फिर भी यू आर द वैम्प एंड देर इज नो एक्सेप्टेंस फॉर यू. बट अगर आप उस आदमी को पत्नी से और बच्चों से छीन कर उनसे शादी कर लेते हो तो नो प्रॉब्लम, तो फिर बॉलीवुड इज रेडी टू एक्सेप्ट यू. तो अगर आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं whether it is Hema Malini, whether it is Sridevi, as long as उन्होंने शादी कर ली और बच्चे पैदा कर लिए तो इट्स ओके. तो बीवी और बच्चों को अगर छोड़ दिया है बोनी कपूर ने तो दैट श्रीदेवी इज नॉट द बैड पर्सन, शी इज नो लॉन्गर द अदर वुमन. बट इफ अ वुमन हैज कॉम्प्रोमाइज एंड शी इज रेडी टू बी द थर्ड पर्सन इन द ट्रायंगल विदाउट स्नैचिंग द हस्बैंड अवे कंप्लीटली, देन शी इज द बैड पर्सन एंड हर रेपुटेशन एंड हर करियर इज कंप्लीटली रुइंड एंड देर इज नो एक्सेप्टेंस फॉर हर. उसका करियर बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं बॉलीवुड वाले. एंड अगर आप अब की लड़कियों को देखते हैं सो अगेन आई थिंक शिल्पा शेट्टी एंड लारा दत्ता हैव बीन वेरी लकी दैट द मैन स्टूड बाय देम, दे टुक अप फॉर देम एंड दे गेव देम दैट रिस्पेक्ट एंड मैरिड देम. सो देर आर वेरी फ्यू हु डू गेट लकी एंड बट दैट इज नॉट बींग द थर्ड पर्सन, इट ओनली कम्स विद गेटिंग मैरिड टू द मैरिड मैन. सो वी टॉकिंग अबाउट द मैन टेकन बाय धर्मेंद्र जी मेंटेन द बैलेंस बिटवीन देम टू फैमिलीज, उनके बारे में क्या? यस, बिटवीन हिज फर्स्ट वाइफ एंड हेमा मालिनी. बट वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग observation hai. I don't know if you agree with me, but again everybody has been talking for decades about Dimple Kapadia and Sunny Deol. But Dharam ji ne khud to dusri shaadi kar li, lekin yahan pe is rishte ko to acceptance kabhi bhi nahi diya. बॉलीवुड के न्यू एंट्रेंट्स हैं काफी स्मार्ट, भले ही उन्होंने एक या दो फिल्म्स की हैं, लेकिन वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पब्लिक आई में कैसे बने रहना है. बड़े बड़े डिजाइनर्स के म्यूज बनकर वो पहुंच जाते हैं रैंप पर और आ जाते हैं लाइमलाइट में इन नो टाइम.
परिणीति चोपड़ा ने 2 फिल्म्स करके अपने टैलेंट को प्रूव कर दिया है। वैसे फिल्म्स तो आकर चली गई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि परिणीति हो गई है आउट ऑफ साइट। इसके पहले कि वो लोगों के ध्यान से हटे, उन्होंने लिया एक स्मार्ट मूव और पहुंच गई रैंप पर टू वॉक फॉर एन एमिनेंट डिजाइनर। शो स्टॉपर बनने से परिणीति को मिली भरपूर मीडिया अटेंशन और इस तरह उन्होंने लोगों को मौका ही नहीं दिया कि वो परिणीति को भुला सके। नरगिस फखरी ने फिल्म रॉकस्टार से डेब्यू किया और उसके बाद अभी तक वो किसी और फिल्म में नजर नहीं आई हैं। लेकिन नरगिस अपनी ब्यूटी फ्लॉन्ट करती दिखी एक फैशन शो में। एक कुचियो डिजाइनर के लिए रैंप वॉक करके नरगिस ने अपने फैंस को याद दिला दिया दैट शी हैज नॉट डिसअपीयर्ड आफ्टर वन फिल्म। डायना पेंटी ने वैसे तो कई बार रैंप वॉक किया है, लेकिन बॉलीवुड में अपनी डेब्यू के बाद वो एक शो स्टॉपर के तौर पर रैंप पर चली। आफ्टर ऑल शो स्टॉपर बनने के बाद डायना को मिली पब्लिक और मीडिया की खास अटेंशन। जाहिर सी बात है कि सिर्फ एक फिल्म करने के बाद डायना के लिए फैशन शो से मिली पब्लिसिटी काफी यूजफुल साबित होगी। मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता फिल्म्स में आने के बाद एक बार फिर रैंप पर आईं, लेकिन जब उन्होंने शो स्टॉपर बनकर कैटवॉक किया तो इस बार रैंप ने उन्हें स्पेशल लाइमलाइट दिया। आखिर शो स्टॉपर पर टिकी होती है सबकी नजरें, जिसकी वजह से ईशा अपने ऑडियंसेस के जहन में छाई रहेंगी। ऑफबीट फिल्म से कमर्शियल फिल्म्स में स्विच करने वाली चित्रांगदा सिंह बॉलीवुड मसाला मूवीज के लिए एक न्यू कमर जैसी ही हैं। अभी तक तो चित्रांगदा ने सिर्फ देसी बॉयज जैसी कमर्शियल फिल्म में काम किया है और इससे पहले कि लोग उन्हें भूलें, वो जा पहुंची फैशन शो में जहां शो स्टॉपर बनकर उन्हें मीडिया और पब्लिक ग्लेयर में बने रहने का अच्छा मौका मिला। एक या दो फिल्म करने के बाद बी टर्म के न्यूबीज के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है कि अपनी नेक्स्ट फिल्म के रिलीज तक वो ऑडियंस को अपनी प्रेजेंस फील करने दें। और शायद तभी बड़ी स्मार्टली ये न्यूकमर्स पहुंच जाती हैं सीधा रैंप पर। इससे उन्हें लाइमलाइट तो मिलती ही है, साथ ही मिलती है डिजाइनर से एक अच्छी खासी प्राइस। मानना पड़ेगा आज के न्यू टैलेंट्स के स्मार्ट मूव्स को। तुम्हें आजकल जो ट्रेंड देखा गया है वो ये है कि पहले तो न्यूकमर्स बॉलीवुड में एंट्री लेते हैं और उसके बाद वहाँ से सीधा रैंप पे एंट्री हो जाती है। बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक अगर उनकी एक पिक्चर थोड़ी बहुत चल जाती है और दे बिकम अ फेमिलियर फेस एंड बिफोर द अदर बिग ऑफर्स स्टार्ट पोरिंग इन, सो देर इज अ बिट ऑफ अ लल, जो एक वेटिंग पीरियड जिसको हम कहते हैं। एंड दे आर वेरी स्मार्ट। मैं जब भी फैशन वीक्स में जाती हूँ या कोई भी फैशन शो में जाती हूँ, आई ऑलवेज रियलाइज दैट देर इज ऑलवेज वन न्यू एक्ट्रेस हु इज डूइंग मोस्ट ऑफ द रैंप वॉक्स एंड मोस्ट ऑफ द शो स्टॉप assignments, you know. And जैसे कि सोनाक्षी, I think जब उनकी दबांग रिलीज हुई थी and she was a superstar overnight, but of course by the time the second movie comes in and the offers come in and they start pouring in, she was on the ramp a lot. And likewise if you look at Nargis Fakhri, she's just had that one movie and she does not have a lot of movies right now, but she is looking gorgeous on the ramp. And likewise with Pariniti Chopra, अगर मैं दिल्ली जा रही हूँ तो वहाँ पर I saw her walking the ramp and I just recently caught up with her at another fashion show at Maika Mirpuri in Bombay. And I think it's a very smart idea because A, aap limelight mein reh rahe hain, aap khoobsurat lag rahe hain, aapko paise mil rahe hain, aapko publicity mil rahi hai, and kahin na kahin koi producer director ki nazar chali gayi ramp par ya screen par, he might just give you another film, you know. So it's a very nice way of staying alive until the next movie happens to you. So that whole out of sight, out of mind thing should not apply to them as well. So it's a very, very smart strategy. And why sit at home alone and not do anything, right? We will pour in more gossip, but right after a short break. Time now, Simi, to talk about the events this week. Yes, absolutely. We have a lot of parties and very interesting stuff to share with our viewers. And I think we can probably start with a sundowner. You know how sundowners have become so popular in this city. I don't know about what's happening in Delhi, but yahan pe to Sundays to ab chutti to chali gayi hai. Everybody is celebrating their birthdays, their anniversaries, everything with sundowners. And here we have Kamlesh Ghana Singh, who hosted this beautiful sundowner for his wife Kaushika's birthday. And nicely dressed, beautiful people, great turnout, great music, and you can see that we're all having a good time there.
Jimmy Sundowns definitely get your thumbs up, but what else happened? You know, Supreet, this Saturday I was not partying and people refused to believe it, but I'm telling you the truth, I did not party one Saturday night because main Jagran par gayi thi and jo party humne abhi dikhai hai, it's the same people who were also there, the Jagran, which was hosted by Neeraj and Renu Kochar. And Neeraj and Renu Kochar, they're probably one of the most gracious hosts when it comes to stylish parties. They have a beautiful home, but unki ek bahut hi spiritual side hai, wo Jagran karte hain, wo Ganpati ke liye bhi, they get the best singers. And it's really nice to see that spiritual side and how well they do it. So if you look at the stage here, and I think there were at least 8 or 9 different performers, and it completely had us all spellbound. So that's page 3, spiritual side coming up. Yes. When did you go to this week? I think Zareen Khan, jo Zayed Khan ki mom hai, and she is of course very well known as an interior decorator, but she started a beautiful high-end designer studio, and Zareen hosted this event where she had this collection put forward by Vivek and Anjul, and you could see the Nepalese royalty there, and Kajol looking gorgeous, and for once she was in a great mood and she was not camera shy, and she is talking to Page 3. So let's just take our viewers there. Let's hear her out. Well, that was a great mix of events, Simi. Thank you so much for all your inputs. Always my pleasure. We had the gossips and parties that never stop making Page 3 as exciting as it can get. Well, for now, it is time for me to say goodbye to you guys for this week. But hey, if you're addicted to gossip, then keep watching Page 3 only on Zoom, because it is India's number one Bollywood channel.